अयोध्या में आठवें दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। घाटों पर दीपक लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। हमारे साथ घाट कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है और दीपक लगाने वाले वॉलंटियर भी मौजूद है। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसी तैयारी है। सर, कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है, उत्साह बहुत अच्छा है। हम लोग लमसम 1200 बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पर और हम लोगों को चार घाट मिला है, 24, 25, 26, 27। सारे बच्चे ग्रामोदय पीजी कॉलेज रामपुर सरदा के हैं और सब लोग बच्चों में बहुत उत्साह है, चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों, क्योंकि रामलला पहली बार विराजमान हुए हैं और विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव है जो काफ़ी भव्य और अच्छा करने की तैयारी की। चिलचिलाती धूप भी हो रही है, माथे पे पसीना है, कैसे? ये सब ये ईश्वर की श्रद्धा है, प्रेम है और बच्चों में इतना उत्साह है कि हम लोग भी लगे हैं और बच्चों को भी साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, इस बार बालक राम के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव है, 25 लाख दीपक जलाया जाएगा, लेजर शो भी होगा, ड्रोन शो भी होगा, प्रभु राम भी नजर आएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत भव्य लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा त्रेता युग का एकदम प्रादर्पण होने जा रहा है 30 तारीख को। अच्छा, 30 तारीख को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद रहेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी रहेगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा, अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उस दौरान आप कैसे, क्या अनुभव करते हैं? सबसे बड़े हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें भी इसमें सहभागी होने का मौका मिला है। हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से अपने विद्यालय को लेकर इसमें शामिल हो रहे हैं और बच्चे पूरा उत्साह के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान के राम के नाम पर इस दीपोत्सव में हम लोगों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ वॉलंटियर भी मौजूद, कैसा लग रहा है आज आप आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य हो रहा है। हमारी तैयारी इस चिलचिलाती धूप में ही हमें लगी महसूस नहीं हो रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप भी एक गिलहरी की तरह कार्य कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनेगा 25 लाख दीपक का, कहीं ना कहीं आप लोग का भी योगदान रहता है उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बालक राम भी विराजमान हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? सर, बहुत ही अच्छा ही लगेगा, बहुत ही भव्य होगा और इस बार तो हम पहली बार आए हैं तो अब देखने को दिया जलाएगा। देखिए, कई वॉलंटियर ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, हालांकि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि बालक राम अपने भव्य मंदिर में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद विराजमान हुए हैं और इस बार 25 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो वहीं लेजर शो और आतिशबाजी में भी प्रभु राम की गाथा साफ नजर आएगी। अयोध्या से न्यूज 18 लोकल के लिए सर्वेश्वर वास्तव।